पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों की तादाद बढ़ गई है। जंगल के राजा को देखने के लिए देश के कोने कोने से पर्यटक पहुंच रहे हैं। 5 जनवरी तक पन्ना टाइगर रिजर्व में टिकट की बुकिंग फुल हो गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में साल भर पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिलती है, लेकिन नए साल में यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, खासकर जंगल के राजा को देखने और उसकी दहाड़ सुनने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं। कुछ पर्यटक तो दिन के साथ साथ नाइट सफारी का भी मजा ले रहे हैं। आलम ये है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में अगले 5 जनवरी तक सभी बुकिंग हाउसफुल हैं। अब जो भी सैलानी टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं उन्हें लौटना पड़ रहा है। पिछले 8-10 दिनों से और अगले 5 जनवरी तक वहां पर भी टिकटों की बिक्री में बहुत भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो अगर नए साल और 4-5 जनवरी तक जो है ये पर्यटन मेरे ख्याल से इसी प्रकार से जारी रहेगा। यहाँ रहने वाले बाघ भी सैलानियों को निराश नहीं कर रहे। सैलानी बाघों का दीदार कर प्रकृति के बीच नए साल का स्वागत कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व में इस वक्त 70 से ज्यादा छोटे बड़े बाघ विचरण कर रहे हैं, इसलिए पर्यटकों को आसानी से बाघों का दीदार हो रहा है। यही वजह है कि नए साल में पिछले साल के मुकाबले सैलानियों की दिलचस्पी बढ़ी है। पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो कई गुना पर्यटक इस बार पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने के लिए आए हैं। इसका मेरी समझ से मुख्य कारण है तो टाइगर बहुत आसानी से पन्ना टाइगर रिजर्व में दिख रहा है टूरिज्म क्षेत्र में, और इससे लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। तो पर्यटकों की संख्या में पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है, बड़े ही खुशी की बात है। अब नए साल पर पर्यटन बहुत ज़्यादा पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटक आ रहे हैं, और लगभग 5 तारीख तक हमारी सभी टिकटें जो हैं वो फुल हैं, चाहे वो सुबह की हो या दोपहर की हो। लगभग दोनों हमारे कोर के जो गेट हैं वो टिकटें पूरी फुल हैं। बफर क्षेत्र में पर्यटन भी अच्छा चल रहा है। आपको बता दें कि 29, 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 1000 से ज्यादा पर्यटक टाइगर रिजर्व पहुंचे। पर्यटकों के पहुंचने से न केवल टाइगर रिजर्व की आमदनी बढ़ रही है, बल्कि पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। पर्यटन यहाँ के लोगों के लिए बहुत अधिक रोजगार पैदा करता है। ज्यादातर लोग जो है वो लोकल ग्रामीण लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे वो जिप्सी ड्राइवर के रूप में हों या गाइड के रूप में हों, वो सभी लोकल ग्रामीण हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। होटल में भी जो लोग कार्य करते हैं, अलग अलग कार्यों में संलग्न हैं, वो भी यहीं के लोकल ग्रामीण हैं जो हुए हैं। और अभी कुछ माह पहले हम लोगों ने पन्ना टाइगर रिजर्व की तरफ से एक स्टडी की थी टूरिज्म के ऊपर, तो हमारा ये एक मोटा मोटा आकलन था कि करीबन 20 करोड़ रुपए की सालाना इकोनॉमी पन्ना टाइगर रिजर्व के टूरिज्म चलने की वजह से इस क्षेत्र में है। बाघ के अलावा बाकी जानवरों को देखकर भी लोग बेहद खुश हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रबंधन ने नियमों को कुछ सख्त कर रखा है। ऐसे में अगर आप पन्ना टाइगर रिजर्व आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कोविड नियमों का पालन करना होगा। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।